देखिए, अगर आप लोग व्हाट्सएप पर चैट करते हो तो आपका भी कोई प्राइवेट चैट होगा। प्राइवेट चैट मतलब कि आप भी किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसको आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा मैं क्या बताने वाला हूं, और आपको ध्यान से समझना और सीखना है। देखिए, मान लीजिए मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूं, अब ये मेरा प्राइवेट चैट है, मैं इससे प्राइवेटली बात करता हूं। अब कभी कभी क्या होता है कि यहां पर इस चैट के अंदर वो कुछ फोटो वगैरह सेंड करता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फुल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने अपना दूसरा फ़ोन उठाया, अब यहाँ से मैं अपने इस फ़ोन पर कोई भी फोटो शेयर कर दूंगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर, और ये मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किए और शेयर कर दिए। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मेरे पास दो फोटो आ चुके हैं। अब मान लीजिए ये आपका प्राइवेट चैट है, इसमें जो पिक्चर आए हैं वो आप किसी को दिखाना नहीं चाहते। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर को कुछ इस तरीके से डाउनलोड कर लिया, तो ये पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। अब देखिए क्या होता क्या है, आपका कोई भी दोस्त वगैरह फैमिली मेम्बर कोई भी आपका फ़ोन लेता है और वो डायरेक्टली आपकी गैलरी कुछ इस तरीके से ओपन करता है, और जो भी आपके चैट है वो कुछ इस तरीके से देख लेता है, वो फोटो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो देखिए, ये फोटो यहाँ पर दिख चुका है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि आपका जो प्राइवेट चैट है अगर वो आपसे कोई भी फोटो वगैरह सेंड करे तो उसको यहां पर दिखाई दे, अब देखिए आपको क्या करना होगा। आपको अपने फोन के व्हाट्सएप में एक छोटी सेटिंग कर देनी है, और उस सेटिंग का इतना जबरदस्त फायदा होगा कि आप लोग भी देखकर चौंक जाओगे। हालांकि ये सेटिंग काफी पहले व्हाट्सएप के अंदर आ चुकी थी, बट शायद कुछ लोग अभी तक इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते। अब देखिए, यहां पर मैंने व्हाट्सएप को ओपन किया, एक फोटो मैंने यहां पर डाउनलोड किया था, लेकिन एक फोटो अभी तक मैंने डाउनलोड नहीं किया है। अगर मैं इस फोटो को भी डाउनलोड करूंगा तो यह भी मेरा सीधा गैलरी के अंदर पहुंच जाएगा, और कोई बंदा इस फोटो को मेरी गैलरी से देख सकता है। अब देखिए आपको क्या करना, थोड़ा बैक आना है। अब देखिए आपको यहां पर क्लिक कर देना, अब इसका देखिए आपको एक आई का बटन मिलेगा, तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, मीडिया विजिबिलिटी, तो आप यहां पर क्लिक कीजिए और इसको आप नो पर सिलेक्ट कीजिए और ओके बटन आप दबा दीजिए। अब देखिए, यहां पर मैं दोबारा से अपना वही चैट ओपन करता हूं कुछ इस तरीके से। अब यहां पर फर्स्ट जो फोटो था मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया था, अब मैं दूसरे फोटो को डाउनलोड करता हूं। अब देखिए, यहां पर भी ये फोटो डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए मैं अपनी गैलरी के अंदर जाता हूं और देखता हूं कि वहां पर मुझे फोटो दिखता है या नहीं। तो यहां पर गैलरी ओपन की, अब अगर आप यहां पर देखो सिर्फ वही फोटो जो पहला फोटो था वही दिख रहा है, बाकी जो दूसरा फोटो मैंने डाउनलोड किया था वो फोटो यहां पर नहीं दिख रहा। तो ये सेटिंग आपके फोन के आपके व्हाट्सएप के लिए काफी अच्छी है। अगर आप लोग किसी से भी प्राइवेट चैट करते हो और वो आपके चैट पर कोई अपना फोटो शेयर करता है और आप नहीं चाहते कि फोटो कोई और भी देखे, तो आप अपने व्हाट्सएप के अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं, जो कि यार दिखने में काफी जबरदस्त है और काफी छोटी सेटिंग है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।